क्या आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ओन कोड शेयरिंग एंड पब्लिशिंग सर्विस गिटहब के लेऑफ के बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए? तो फरवरी में जो न्यूज थी उस अकॉर्डिंग गिटहब 10% एम्प्लॉयज को लेऑफ करना चाहता था, बट नाउ दैट नंबर हैज रोज टू 45%. सो आई थिंक इट्स वर्थ डिस्कसिंग द प्रोज कॉन्स एंड रीजंस ऑफ द लेऑफ व्हिच गिटहब हैज डन. So hi friends, my name is Shivangi Tiwari and I hope you like my videos. If you are new to my channel, then I create videos related to career, inspiration and lifestyle, and if that's what you are searching for, then you have landed at the right place. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि GitHub है क्या. तो GitHub actually एक code sharing and publishing service है जो कि Microsoft own करता है. तो इस सर्विस के थ्रू, GitHub सर्विस के थ्रू, डेवलपर्स और कंपनीज अपने कोड को शेयर कर सकते हैं एंड कोलैबोरेशन के थ्रू कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं. अभी हाल ही में GitHub ने अनाउंस किया था कि वो अपने 10% एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट हो. लेकिन ये नंबर 10% से रेज होकर 45% तक पहुंच गया है और GitHub इंडिया ने 45% लोगों को ले ऑफ कर दिया है, एंड दिस नंबर इज लाइक अप्रोक्स 140 पीपल जिनका जॉब लॉस हुआ है. तो GitHub ने एक्चुअली ऐसा किया क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो अपने बजट की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एंड उनके स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली ये बोला है कि इस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग से शॉर्ट टर्म में वो कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड कंपनी के फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सके. तो इसीलिए अभी ये ले ऑफ किया गया है. तो रीजन बहुत सिंपल है कि एक रीस्ट्रक्चरिंग वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है. And mostly impacted people are from GitHub India only. So I know the consequences of job loss क्या होते हैं. We can really understand being from that same corporate background, seeing people and friends getting laid off. I know it's very difficult time, but then we should understand it from the company's point of view कि company is doing the restructuring and because of this recession and the bad times going on for the companies, for the IT companies especially, ये एक important और strategic decision था. Indian market की बात करें तो GitHub के लिए इंडियन मार्केट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल डेवलपर्स का मार्केट था. लाइक द कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट विच GitHub होल्ड्स, एंड GitHub ने ये सब्सिडरी GitHub इंडिया 2020 में इंडिया में लॉन्च करी थी. तब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन था कि द डेवलपर्स एंड द क्वालिटी ऑफ डेवलपर्स इन इंडिया इज रियली क्रूशियल फॉर देम. दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग मूव इन इम्प्रूविंग एंड एनहांसिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया. जब 2020 में GitHub इंडिया आया था तो स्टार्टअप्स को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ था, बिकॉज दिस कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन मार्केट. वैसे अगर इनके ले ऑफ को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्पेशली कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये एक ऐसा डिसीजन है जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को शो करता है. दैट मीन्स अगर वो शॉर्ट टर्म में अपनी कंपनी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं. तो ले ऑफ का जनरली रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है कि कैसे ना कैसे करके कॉस्ट कटिंग करी जाए एंड अभी इंप्लॉयज को निकालकर कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए. इट्स लाइक आप कोई बहुत ही डेंजरस डिजीज से गुजर रहे हो, आपकी बॉडी किसी बहुत डेंजरस डिजीज से गुजर रही है, एंड आपको पता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस डिजीज से फाइट कर सको एंड तक. तो आपको एक सोल्यूशन दिख रहा है कि आप अपनी किडनी बेचकर, एक किडनी बेचकर अगर अपने अपनी अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हो, उस डिजीज को क्योर कर सकते हो, एक सोल्यूशन निकाल सकते हो, सो व्हाई वुडंट यू डू दैट. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं विजुअलाइज करती हूँ ना कि ले ऑफ ऐसे एम्प्लॉयज को निकालना जो कि कंपनी के लिए इतने सालों से लॉयल रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ कि शायद ये एक उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है एंड कहीं ना कहीं ये कंपनीज को लॉन्ग रन में हेल्प करता है. बिकॉज अगर वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, कंपनीज अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगी, तो आगे तो कंपनी का कोई फ्यूचर बचेगा. जो भी कहा जाए, GitHub इंडिया के ले ऑफ से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो इंजीनियरिंग रोल्स पर पड़ा है, और इंटरनल मेमो में GitHub CEO थॉमस डोमके ने फरवरी में कंपनी की बजटरी रिलायमेंट्स की बात की थी, जिससे शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रोटेक्ट की जा सके और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके. इसका मतलब है कि फिस्कल ईयर 23 में GitHub अपनी टीम को 10% तक रिड्यूस करने वाली थी. ये डिसीजन बहुत पहले उन्होंने ले लिया था, लेकिन ले ऑफ्स के अलावा कंपनी के प्लान्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं और इसकी वजह से कंपनी के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए कैपेसिटी भी बढ़ेगी. सो वी डोंट नीड टू वरी एंड पैनिक अबाउट इट. इसकी बात करी जाए तो डेफिनेटली ये उन एम्प्लॉयज के लिए जिनका ले ऑफ हुआ रहता है या जो लेड ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए तो एक सेटबैक होता ही है. और अगर स्पेशली GitHub इंडिया के ले ऑफ की बात करें तो उसमें इंजीनियरिंग
रोल्स वाले इम्प्लॉयज ज्यादा अफेक्टेड हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है गिटहब की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स ये है कि इंडियन मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो लाइक जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है इंडिया में जो गिटहब इंडिया होल्ड करता था, इस लेऑफ की वजह से गिटहब इंडिया की रेपुटेशन इंडिया में कहीं ना कहीं डाउन हुई, उससे गिटहब इंडिया की ब्रांड इमेज पर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया गिटहब के लेऑफ के प्रोज कॉन्स और रीजंस के बारे में, आई नो इट विल हैव एन इम्पैक्ट क्योंकि हम रोज कोई ना कोई, अभी एक्सेंचर इस कुछ 40,000 एम्प्लॉयज को भी ले ऑफ करा था, तो हम रोज कोई ना कोई न्यूज सुन रहे हैं, बट हमें इस न्यूज से परेशान नहीं होना है। सीखने वाली चीज ये है कि इफ वी स्टार्ट इम्प्रूविंग आवर स्किल्स तो नो ले ऑफ इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। इवन इफ वी गेट इम्पैक्टेड वी विल ऑलवेज हैव अ सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि अगर ले ऑफ हो रहा है तो मैं देखती हूँ साथ के साथ रोज हर वेबसाइट पे कहीं ना कहीं जॉब ओपनिंग्स भी हो रही हैं, तो हमें इस चीज को पॉजिटिवली ही लेने की जरूरत है। एंड ऑल्सो कि बैड टाइम्स हैं, गुड टाइम्स विल कम। फॉर द पीपल हु आर सफरिंग, माय कंसोलेशंस फॉर देम, एंड आई नो यू आर ग्रेट पीपल एंड यू हैव डन वेरी गुड इन योर करियर, यू विल ऑलवेज हैव ऑप्शंस। एंड फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर करियर, डोंट थिंक दैट द अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी लेस फॉर यू इन एनी वे, बिकॉज इफ द टाइम इज वर्स द बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन फोकस ऑन योर स्किल्स, और तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो बेटर है कि अभी अपनी स्किल्स पर फोकस करो। व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द गुड टाइम कम्स अगेन, जब ये रिसेशन वाला टाइम खत्म होगा, स्टार्ट वर्किंग हार्ड अगेन एंड गेटिंग बैक टू योर वर्क्स अगेन। सो हर कंपनी अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को देखती है जिसकी वजह से वो ले ऑफ करते हैं या अबंडेंस में हायरिंग करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द कोविड टाइम जहां भर भर के हायरिंग हो रही थी, जहां देखो वहीं ओपनिंग और मुंह मांगे पैसे मिल रहे थे। तो आई बिलीव कि कॉर्पोरेट कल्चर इज अ साइन ग्राफ, कि कभी बहुत हाई होता है कभी बहुत लो होता है, एंड होता है हाई और लोज दोनों होते हैं, तो अभी अगर पीक लो है तो पीक हाई भी आएगा। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एंड वी डोंट हैव टू पे सो मच अटेंशन ऑन वॉट कंपनीज आर लेइंग ऑफ, हाउ मच दे आर लेइंग ऑफ। उस पर फोकस करने के बजाय अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, लाइक ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, कि कौन सी कंपनीज हायर कर रही है, कौन सी स्किल्स डिमांड में है, अगर ये सारी चीजें हम देखते रहे तो हमें नहीं लगता कि हमारे दिमाग पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन लेऑफ्स का। सो रिसेशन से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो सीरीज बनाए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आई बटन पे भी दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। रिसेशन पे भी मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, अगर वो वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल देखिएगा। सो आई होप आज का शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड बस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ही रीजन था इस वीडियो को बनाने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, टू द पीपल हु आर वरिंग अबाउट द रिसेशन एंड अबाउट द लेऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एनी टाइम आई पोस्ट माय न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।